का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से जो है स्वागत है। तो आज हम साथियों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पेपर सॉल्व करेंगे और पेपर में सॉल्व करेंगे साथियों ITI आल ट्रेड के लिए। हालांकि ये पेपर जो है इलेक्ट्रीशियन का है, लेकिन व्हाट्सअप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग ये जो पेपर है साथियों ITI आल ट्रेड के लिए। अगर आप ITI फर्स्ट ईयर में हैं तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे और ऐसा ही पेपर आप सभी को देखने को मिलेगा रियल एग्जाम में जो कि आपको है। अगर ये सारे पेपर चाहिए, मॉक टेस्ट आपको वास्तव में देना है तो प्ले स्टोर में जाइए, MPN ऑनलाइन स्टडी ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से आपको मिल जाएंगे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे, साथ ही ऑनलाइन टेस्ट भी। तो चलिए वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस को हम हल करते हैं, इस पे आ जाते हैं साथियों। और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं साथियों, डेंसिटी के नाम से जानते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लिक किया और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेड हो गया, तो सेम टू सेम ऐसा ही होगा। और हम यहाँ पे क्या करें, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिए, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्रीन हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा पानी का क्वथनांक। तो यहाँ पे क्या पूछा है साथियों, आप सभी से पूछा है कि पानी का क्वथनांक पूछा है। तो क्या होता है क्वथनांक, जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आपको इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद साथियों जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दूसरा भी हल हो गया। आप सभी को पता है व्हाट्सएप कैलकुलेशन से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नया सिलेबस है साथियों, तो प्लीज चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यही क्वेश्चन आप सभी से जो है पूछे जाएंगे। और यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 मार्क का है और टाइम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे इकाइयों की प्रजाति के 2 कौन कौन से प्रकार हैं वो जो है आप सभी को बताना है। तो कौन सा है साथियों, वो है फंडामेंटल है ड्राइव्स, जिसे हम क्या नाम से मौलिक और व्युत्पन्न, ये तो राशियाँ होती है। इस पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन सेव एंड नेक्स्ट पे जो है हम क्लिक करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों, ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं। तो आप सबको बता दें साथियों, मीट्रिक में जो होते हैं वो 746 वाट होते हैं और ब्रिटिश प्रदेश में जो होते हैं वो 735 वाट होते हैं। तो 746 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है और ब्रिटिश में अगर पूछा जाएगा तो 735 वाट होता है, तो आप इसे ध्यान में रखना। चलिए हम इसे भी कर दिए और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है। तो इसमें से कौन सा एक कुचालक है जो कि आप सबको बताना है। तो कुचालक पूछे साथियों, तो वो है आपका मेकर, जो कि एक प्रकार का कुचालक है। इसे हम सेव एंड नेक्स्ट पे करते हैं और आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आते साथियों, उस विषमभुज त्रिकोण का परिमाण क्या होगा जिसकी भुजाएं 40 और 20 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। तो साथियों जब भी आप इसे हल करेंगे तो आपको जो राइट आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा। हालांकि मैंने क्लास में इसे हल कराया है, तो इसमें हम पेपर सॉल्व करा रहे हैं, तो इसमें करने के बाद हम क्या करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। तो जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पर करते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज अच्छी तैयारी के लिए और अच्छे नंबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। पहले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग सटीक लंबवत रेखाएं, समांतर रेखाएं और कोणीय रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है साथियों, मिनी ड्राफ्टर का। मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग की अच्छे से क्लास बता रखी है। उसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे 30, 60, 90, 45, 45, 90 सेट वर्गों का उपयोग करने के लिए कौन सा कोण खींचना संभव नहीं है। तो इसमें से कौन सा कोण हम साथियों नहीं खींच सकते मिनी ड्राफ्टर से या सेट स्क्वायर से, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, वो आप सभी को बताना है। तो साथियों हम 10 अंश का जो है कोण नहीं बना सकते क्योंकि 90 बन जाएगा, 45 भी बन जाएगा और 30 भी बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 क्वेश्चन हो गए। अगला है छोटा धनुष कंपास जिसे कहते हैं, बीच में डाय है, mm त्रिज्या से कम वृत्त खींच सकता है। जो छोटा कंपास होता है उससे हम कितने से कम mm का वृत्त खींच सकते हैं वो आपसे पूछा है। तो साथ ही यही सारे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा रहे हैं और बार बार पूछे जाएंगे। तो प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी डाउट है तो आप उनसे जरूर पूछ लेना। तो साथियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 25 mm। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़े त्रिज्या वाले वृत्त खींचने के लिए किस उपकरण का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये आप सभी को बताना है। तो बड़े वाले कंपास का प्रयोग करते हैं साथियों और नेक्स्ट करके आगे चलते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से सबसे कठिन पेंसिल का ग्रेड कौन सा है, कठिन मतलब कठोर। तो कौन सा है साथियों, सबसे कठोर जो है वो कौन सा है, वो 7B 9H। यहाँ पे आप सभी को देखना है उसके बाद जो है बताना है। तो कौन सा है साथियों सबसे कठोर, तो वो है 9H। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से नर्म पेंसिल पूछा है,
तो सबसे नर्म जो होता है साथ में वो सेवन भी होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार के चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।